अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है फीड फॉर्मुलेशन का, जिसमें हम पियर्सन स्क्वेयर मेथड के जरिए फीड की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। आज का जो मेथड है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फिश की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की फीड बना सकते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट जो है वो मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उनकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो कैसे हम फीड की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं फीड की फॉर्मुलेशन के लिए। जैसे कि आपको कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिश की फीड की फॉर्मुलेशन के लिए। जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, इन सब का जो बेसिक है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ फीचर्स इनके एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है सॉफ्टवेयर वो है विन फीड फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर। इसके कुछ फीचर्स है, ये है कि इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप सिर्फ जो है वो कैटल की, पोल्ट्री की या शीप की फीड को ही फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पेट की, डोमेस्टिक ऑर्गेनिज्म की, कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म की फीड को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इसमें दो मोड हैं, लीनियर मोड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो और स्टोकेस्टिक मोड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें ज़्यादातर लीनियर मोड ही जो है वो उसमें आपको रिजल्ट आपके मिल रहे होते हैं। तो लीनियर मोड में जो आपके रिजल्ट हैं वो उसमें 50 से 55% अश्योरेंस होती है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक हैं। मतलब उसमें अश्योरेंस है कि जो आप इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हो वो एनिमल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। लेकिन जो स्टोकेस्टिक मोड है उसमें तकरीबन 99% या 90% जो है वो अश्योरेंस होती है कि जो आप इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनिमल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो पेड हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए लीस्ट कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सेल अपना ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके डाटा व्यू में सॉल्वर का ऑप्शन है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जाएं, आप एक्सेल को ओपन करें और अपनी लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह के कुछ आपके पास सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आपने एड्स इनको ओपन करना है। एड्स इनको ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल के लिए, लेकिन इसमें से जो सॉल्वियर है क्योंकि हमारे लिए वही रिक्वायर है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे फीड की फॉर्मुलेशन के लिए। तो इसको आपने ओके कर देना है तो आपके डाटा व्यू में ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाना पड़ेगा। अगर आपने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को सीखना है तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाते हैं और इसको सीखते हैं। ओके, तो अभी हम एक्सेल की शीट पे आ चुके हैं। तो इसमें कुछ मैंने डाटा एंटर किया हुआ है। पहले से ही मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हम फीड की फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं वही टेबल को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं, अगर आपने कोई भी फीड की फॉर्मुलेशन करनी है तो जाहिर है आपको इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्रेडिएंट पता है तो जाहिर है उसकी कॉस्ट भी पता होगी। तो इसके लिए आपने अपनी एक्सेल की शीट पे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने उसकी कॉस्ट भी नीचे ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड कर देना है कि आप इसका कितना वेट इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब अगर आप फीड कितनी बना रहे हो, 1 kg बना रहे हो, 100 kg बना रहे हो, टन्स के हिसाब से बना रहे हो, तो उसका वेट आप उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दोगे। यहाँ पे मैंने 1 kg के हिसाब से यहाँ पे 1 1 ऐड कर दिया। उसके बाद जो आप फीड इस्तेमाल कर रहे हो उसकी न्यूट्रिशन कंपोजिशन का भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसकी मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो कॉर्न की इतनी है, वीट की इतनी होगी, तो ये डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एनर्जी है, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारे के सारे न्यूट्रिशनल कंपोजिशन भी जो आप इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फीड में वो नॉन होने चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे और न्यूट्रिएंट कंस्ट्रेंट का एक कॉलम ऐड कर देंगे और न्यूट्रिएंट कंस्ट्रेंट के साथ आपने मिनिमम और मैक्सिमम ऐड कर लेनी है वैल्यू। वैल्यू को ऐड करने से पहले आपने क्या करना है, ये जो कॉलम है
इस सारे न्यूट्रिएंट का इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसके जरिए आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मिनिमम जो वैल्यू है वो मैं रख रही हूँ 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं रख रही हूँ 100, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो हमारे पास फिक्स हैं कि मैं उसको रखना चाहती हूँ 0.25, और यहाँ पर भी मैं मतलब ये फिक्स हैं तो इसलिए मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम रख रही हूँ। और यहाँ पे भी जो वाइटामिन और मिनरल ये हैं हमारे पास मिनरल्स, वो 0.25 मतलब वो फिक्स ही हैं, मिनिमम भी उतने ही है और मैक्सिमम भी उतने ही है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पे क्या कर दी है फिक्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि इंग्रेडिएंट इंक्लूजन आपने ऐड करना है कि आप कितने परसेंटेज में इंग्रेडिएंट अपने ऐड करना चाह रहे हो। 100% है तो ये एक आप कोई भी ऐड कर सकते हो किसी भी न्यूट्रिएंट का इसके साथ, बाकी जो आप कैलकुलेशन कर लोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी राइट साइड पे जाना है और यहाँ पे दो कॉलम ऐड कर लेने हैं। ये है न्यूट्रिएंट कंस्ट्रेंट, ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स है आपने ऐड करने हैं कि आप किस ऑर्गेनिज्म की फीड बना रहे हो, मतलब अगर आप फिश की फीड बनाते हो तो उसकी डेवलपमेंट स्टेज क्या है, क्या वो आप फ्राई के लिए फीड बना रहे हो, फिंगरलिंग्स के लिए फीड बनाते हो, ब्रूडर्स के लिए फीड बना रहे हो, लार्वा के लिए फीड बनाते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हर एक डेवलपमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म की जो फीड होती है वो भी उसकी वेरी कर रही होती है। तो मैं जो फीड बना रही हूँ उसमें जो उसकी मेटाबॉलिक एनर्जी है वो 2.9 मेगा कैलोरी पर केजी जो है वो मिनिमम एनर्जी है, और मैक्सिमम जो उसकी एनर्जी है वो है 3.1। और इसी तरह से जो प्रोटीन है और मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट है उसकी मिनिमम कंपोजिशन भी मैंने प्रोवाइड कर दी है और मैक्सिमम भी। इसी तरीके से जो भी आप फीड इस्तेमाल कर रहे हो आप आपको ये नॉन होना चाहिए कि आपने किस स्टेज वाले ऑर्गेनिज्म के लिए फीड को फॉर्मुलेट करना है, और दूसरा आपने आपको कॉस्ट भी पता होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाइट स्पेसिफिकेशन का एक और टेबल ऐड कर लेना है, और डाइट स्पेसिफिकेशन में आपने कुछ ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करना है। कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, कुछ मैं आपके सामने करूंगी। यहाँ पे आपने इज इक्वल ऐड कर देना है और सम प्रोडक्ट का बटन दबा देना, ठीक है। जब आप सम प्रोडक्ट का बटन ऐड करोगे तो यहाँ पे आपने वैल्यू को स्पेसिफाई कर लेना। यहाँ पे थ्रियोनिन की वैल्यू मेरी रह गई और ट्रिप्टोफेन की वैल्यू, पहले हम थ्रियोनिन की वैल्यू को क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज को कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये टॉप पे भी शो हो रहा है तो यहाँ पे हम कॉमा ऐड कर देंगे। कॉमा ऐड करने के बाद जो नीचे इंक्लूजन की वैल्यूज दी हैं उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इस इंक्लूजन की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया सारे के सारे इंग्रेडिएंट की इंक्लूजन वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये उसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम दूसरे की करेंगे तो ये है इज इक्वल ऐड कर दिया, सम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इसके साथ भी हम जो ट्रिप्टोफेन की वैल्यू है वो रह गई है उसको हम क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आ गई है हमारे पास ट्रिप्टोफेन की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा ऐड कर देंगे, और कॉमा ऐड करने के बाद हमारे पास जो इंक्लूजन की वैल्यू है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमने इसको कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी की सारी जो डाइट की स्पेसिफिकेशन वैल्यू है वो आ गई है, मतलब आपकी डाइट में ये सारी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने स्पेसिफाई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है डाटा व्यू में, और डाटा व्यू में जाके आपने सॉल्वर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सॉल्वर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स नजर आ रही हैं सॉफ्टवेयर रन करने से पहले, तो वो आपने सेट कर लेनी है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव में ये न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे आपने अपनी फीड जो कॉस्ट है उसकी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम मिनिमम के बटन को दबाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया मिनिमम। उसके बाद हमने क्या करना है, चेंजिंग वेरिएबल। चेंजिंग वेरिएबल में आपने क्या करना है, जो आपकी इंक्लूजन की वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेनी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई करके उसमें ऐड कर देना। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज ऐड कर दी। फिर आपने आना है सब्जेक्ट पे, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज ऐड की हैं लेकिन मैं पहले इसको डिलीट करूंगी और आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऐड करूंगी।
सबसे पहले आपने ऐड पे जाना है, और ऐड पे जाने से पहले आपने यहाँ पे 5 कॉलम ऐड करने हैं। ठीक है, कॉलम ऐड करने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती हूँ कैसे आपने ऐड करना है इसको। आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस का मतलब है कि कंस्ट्रेन, आपने जो सेल इंक्लूजन वैल्यूज हैं वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो इंक्लूजन वैल्यूज हैं वो हम ऐड करेंगे, और ये जो इंक्लूजन वैल्यूज हैं ये लेस देन होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ तक ही ऐड करेंगे क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं वो तो फिक्स हैं। ठीक है, तो वो हम अलग से उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ये लेस देन है, और यहाँ पे आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेना। और मैक्सिमम वैल्यूज आपकी कौन सी हैं, ये वाली आपकी मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज भी आपने कहाँ तक ऐड करनी है, यहाँ तक ऐड करनी है, 0.25 को ऐड नहीं करनी, और आपने ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगेन आपने ऐड करना है। और देखो यहाँ पे हमने जैसे कि सेलेक्ट किया था इसको, नहीं विटामिन और मिनरल को हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो हम इसको दोबारा से ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे आपने इक्वल रखना है क्योंकि हमारी मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सेम ही है, तो इसलिए हम इसको दोनों को क्या रखेंगे, सेम। इसको भी आपने ओके कर दिया। उसके बाद अगेन आप करोगे ऐड। अब आप विटामिन की वैल्यू को ऐड कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इंक्लूजन जो है वो आपका इक्वल है किसके, आपकी जो वैल्यू है उसके। ठीक है, तो ये भी आपने कर दिया ओके। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज ऐड करनी है। जो आपकी अगली वैल्यू है उसमें आपने अगेन क्या करना है, इंक्लूजन की वैल्यू को ऐड कर लेना है, और इसके साथ साथ आपने मिनिमम वैल्यूज ऐड करनी है। पहले आपने मैक्सिमम वैल्यू ऐड की थी, अब आपने मिनिमम वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो ये हम इंक्लूजन की वैल्यू जो है वो 0.25 से लेस देन जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ तक इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने ऐड कर ली। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज ऐड करनी है वो कौन सी हैं, ये हमारी वैल्यूज ग्रेटर होनी चाहिए, जो हमारी वैल्यूज हैं ये, इसको हम ग्रेटर रख लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यूज हमारी ग्रेटर होनी चाहिए किस वैल्यू से, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उससे। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये भी हम 0.25 से लेस वाली ही सेलेक्ट करेंगे, मतलब इतनी वैल्यूज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये वैल्यूज भी हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने ऐड करनी है वैल्यू, और अब आपने क्या करना है कि जो आपकी वेट की वैल्यू है यहाँ पर वो वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है, और ये इक्वल का बटन दबाएंगे और ये वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू के इक्वल आएगी, ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड करना है, और अब आपने क्या ऐड करना है, आपके पास जो डाइट की स्पेसिफिकेशन की वैल्यूज हैं इसको आप ऐड कर दोगे, और ये वैल्यूज आपके पास ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए जो आपकी न्यूट्रिएंट की वैल्यूज हैं उनसे। ठीक है, ये भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अगेन आप क्या करोगे, जो आपके पास जो आपकी ये 2 एनर्जी और प्रोटीन की वैल्यूज हैं ये आपकी लेस होनी चाहिए। किससे लेस होनी चाहिए, जो आपने पहले ऐड कर लिया वैल्यू ये आपकी ग्रेटर होनी चाहिए, और ये वाली जो वैल्यूज हैं वो आपकी लेस होनी चाहिए, मतलब ये ग्रेटर होनी चाहिए और जो दूसरी वैल्यूज हैं वो आपकी लेस होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफरेंट मोड है, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लेक्स एलपी को सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद आपने ओके कर देना। और यहाँ पे जो सॉल्वर है वो कुड नॉट फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन, इसका हम देखते हैं कि इसको अभी क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई तो आगे पीछे वैल्यू होगी, उसको हम अभी सेट करते हैं। ओके, तो इसकी कुछ वैल्यूज चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सॉल्वर फाउंड अ सॉल्यूशन, ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कंडीशंस जो हैं वो ऑप्टिमाइज हैं, और ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है, और नीचे आपकी वैल्यूज जो हैं वो दे दी गई हैं, जिसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो इतनी ऑप्टिमम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो कुछ वैल्यूज हैं वो 0 की फॉर्म में है, उसमें कुछ जो है वो 0.,, मतलब ज़्यादातर जो है वो वैल्यूज जो है वो 0.25 इस हिसाब से ही दी हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो डाइट है वो एक्सेल के जरिए उसको यूज कर सकते हैं, और उसमें उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।